1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए ग्रेच्युटी के नियम। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो काफ़ी लंबे समय के बाद अब केंद्र सरकार ने एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान के नियम जारी कर दिए हैं और इसके संबंध में ये गजट नोटिफिकेशन भी केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें कहा गया है कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि सरकारी नौकरी में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में हैं, उन सरकारी कर्मचारियों की यदि सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर वो उनका रिटायरमेंट होता है तो उन केंद्रीय कर्मचारियों को इन नियमों के अनुसार ही ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। अब से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अलग नियम थे, लेकिन अब एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और गजट नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर या फिर रिटायरमेंट होने पर मिलने वाले ग्रेच्युटी की अमाउंट इस प्रकार रहेगी। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी की क्वालिफाइंग सर्विस यदि 1 साल से कम है तो सरकारी कर्मचारी के जो इम्यूलमेंट्स हैं उसके 2 गुना के बराबर उसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। यदि क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर उसकी 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम है तो उस कंडीशन में जो भी इम्यूलमेंट्स हैं उसका 6 गुना दिया जाएगा। यदि क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर 5 वर्ष लेकिन 11 वर्ष से कम है तो उस कंडीशन में जो भी इम्यूलमेंट्स हैं उनका 12 गुना ग्रेच्युटी दी जाएगी। और यदि सरकारी कर्मचारी की जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो यहाँ पर 11 वर्ष से अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम है तो जो भी उसकी परिलिपियाँ हैं उनका 20 गुना उसे दिया जाएगा। यदि सरकारी कर्मचारी की क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर 20 वर्ष या फिर उससे अधिक है तो उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसकी पूरी की गई प्रत्येक 6 माही अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा किंतु अधिकतम परिलब्धियों के 33 गुने के अधीन रहते हुए वो सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो पहले वाले नियम थे वो ही नियम भी लागू रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पर एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए साफ और स्पष्ट नए नियम जारी कर दिए गए हैं और इन नियमों के अनुसार ही अब एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।